नमस्कार बाबा, राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धनबाद जिले के निरसे चापापुर कोलोरी केबल लूटकांड बमबाजी के मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। तीन अपराधी पकड़े गए। गिरफ्तार अपराधियों ने श्यामलाल मुर्मू, राजकुमार स्वर्णकार, देवराज प्रसाद शामिल हैं। राजू और देवराज चोरी के सामान को खरीदारी करते थे। बुधवार को ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि कांड के अनुसंधान क्रम में श्यामलाल मुर्मू को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसके पास से बरामद 4 सुतली बम, मोबाइल, एक बाइक जब्त की गई। श्यामलाल की निशानदेही पर राजू और देवराज की गिरफ्तारी हुई। दोनों के ठिकाने से उपरोक्त कांड में लूट के 260 मीटर केबल के अलावे 35 किलो तामा बरामद हुआ। एसपी ने बताया कि राजू और देवराज चोरी के केबल खरीदा है। उन्होंने बताया कि श्यामलाल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है, केबल चोरी के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। श्यामलाल की गिरफ्तारी के साथ ही कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। उक्त कांड के शेष सभी आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द ही पकड़े जाएंगे। निरसा स्थित ECL के चापापुर कोलोरी में 13 और 14 अक्टूबर को लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। 14 अक्टूबर को केबल लूट कर भागने क्रम में स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया। इसी दौरान लुटेरों ने संजीव कुमार के ऊपर बम फेंक कर लुटेरों ने घायल कर दिया, जहां इलाज के दौरान संजीव कुमार की मौत हो गई। वहीं केबल लूट और बमबाजी करके इस दोनों मामले को लेकर ग्रामीण एसपी ने बताया कि निरसा ECL के चापापुर कोलोरी में मजदूरों को बंधक बनाकर केबल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। लूट कर भागने के दौरान संजीव कुमार पर अज्ञात अपराधियों ने बम फेंक कर घायल कर दिया, जहां इलाज के दौरान संजीव कुमार की मौत हो गई। विशेष टीम के द्वारा की गई छापेमारी के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार की गई। वहीं पूछताछ के क्रम में पकड़े गए अपराधियों ने लूटकांड में शामिल होने के बात को स्वीकार किया। इस मामले और अपराधियों की पहचान कर लिया गया है, जल्द उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। 13-14 अक्टूबर की रात्रि में निरसा थाना अंतर्गत चापर कोलियरी कार्यालय में केबल तार चोरी करने के उद्देश्य से कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों ने वहाँ पर जो मौजूद सुरक्षा कर्मी थे उनको बंधक बनाया तथा चोरी करने का प्रयास किया गया। जब बंधक बनाने के बाद में जब इन चोरी करने के उपरांत कार्यालय से निकलकर जब भाग रहे थे तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उनमें से जो संजीव कुमार नामक एक व्यक्ति था जो कि उनके रास्ते में आ गया, जिस पर अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा बम फेंक कर हमला किया गया तथा उसके पश्चात वो लोग वहाँ से फरार हो गए। जो गंभीर रूप से जो संजीव कुमार घायल हुए उनको एक अस्पताल में भेजा गया, लेकिन इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसके पश्चात इन अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध में 2 कांड दर्ज किए गए। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक छापेमारी दल का गठन किया गया। DSP हेडक्वार्टर 1 अमर कुमार पांडे के द्वारा इस छापेमारी दल का लीड किया गया, जिसमें हमारे प्रोबेशनर DSP जो भी हमारे ज़िले में नए नए ज्वाइन किए उन लोग भी शामिल रहे तथा थाना प्रभारी निरसा, थाना प्रभारी मनियाड़ी तथा अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग से इन अज्ञात अपराध कर्मियों के बारे में सूचना एकत्रित की गई तथा इसके आधार पर कुछ लोगों के विरुद्ध छापेमारी की गई, जिनको पकड़कर जब थाने में पूछताछ की लाया गया तो उन अज्ञात अपराध कर्मियों ने मैसेज जिनको पूछताछ की लाया गया था उनने अपना अपराध स्वीकार किया। अपराध कर्मी श्यामलाल मुर्मू जिसको संदेह के आधार पर उठाकर लाया गया था उसने अपना अपराध स्वीकार किया तथा इस कांड में जिन अन्य लोगों की संलिप्तता थी उनके बारे में भी जानकारी दी। जब इसने इस कांड के उद्भेदन के बारे में बताया तो इनके कन्फेशन के आधार पर जो घटना में जो तार चोरी हुआ था उसका बरामदगी की गई। बरामदगी जिनके यहाँ से की गई उन लोगों को भी इस कांड में अभियुक्त बनाया गया तथा वो लोग राजू कुमार स्वर्णकार तथा देवराज प्रसाद वर्णवार ये लोग वो थे जो अपना चोरी किए हुए तार को खरीदने में इनका सहयोग करते थे। तो इन 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई, टोटल मिलाकर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में श्यामलाल मुर्मू जो कि जिसका एक आपराधिक इतिहास रहा है, इससे पूर्व में भी वो चोरी डकैती के केस में जेल में जा चुका है, उसके पास से जिंदा सूतली बम 4 तथा एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो कि घटना के दिन उपयोग में ली गई थी तथा जो अन्य अभियुक्त घटना के जो अन्य अभियुक्त हैं जिन्होंने चोरी का सामान खरीदा उनके पास से भी 13 अदद पावर केबल कुल मिला के 260 मीटर तथा तांबा तार 35 किलोग्राम ये जब्त किया गया है। अग्रतन अनुसंधान जारी है, जो अन्य अभियुक्त फरार चल रहे हैं उनके विरुद्ध भी छापेमारी की जा रही है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।